हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फीलिंग सेफ। वेलकम बैक हम सबके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस लेक्चर 17 में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस एंड न्यूट्रिशन, जो आपका शल्य का पेपर फर्स्ट है। इसका पार्ट ए में सिलेबस पॉइंट है। उसकी मैं फर्स्ट जो पॉइंट है, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट की ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी शल्य की प्लेलिस्ट चेक करना, आपको वहां पे वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आज हम करेंगे डिहाइड्रेशन और ओवर हाइड्रेशन। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको 4-4 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, डिहाइड्रेशन क्या है और ओवर हाइड्रेशन क्या है। ठीक है, तो आज हम ये दोनों के दोनों टॉपिक पढ़ेंगे। डिहाइड्रेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या इसका कारण हो सकता है, ठीक है, क्यों होता है ये, रिस्क फैक्टर किनको रहती है डिहाइड्रेशन, उनके क्या इनके सिम्टम्स मिलेंगे, बच्चों में क्या सिम्टम्स मिलेंगे, इनकी कॉम्प्लिकेशन क्या है। और ओवर हाइड्रेशन की बात करें तो उसके अंदर कॉजेज, रिस्क फैक्टर एंड सिम्टम्स, ठीक है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जिस भी स्टूडेंट को बीएमएस फोर्थ ईयर की ऑनलाइन क्लासेस लेनी है किसी भी सब्जेक्ट की हो, चाहे वो शल्य है, शालक्य है, केसी है, पंचकर्मा, रिसर्च एंड स्टैटिक्स, या फिर आपको पीजी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल बीएमएस लेक्चर 17 पे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। माय जीमेल आईडी इज, जीमेल पे मुझे आप पर्सनली मैसेज करना, एंड माय जीमेल आईडी इज bmslectures910@gmail.com, bmslectures910@gmail.com। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है आपको पता ही है, ये आई थिंक ऑलमोस्ट सबको कभी ना कभी हुआ होगा, है ना। तो डिहाइड्रेशन अकर व्हेन मोर वाटर एंड फ्लूइड्स लीव द बॉडी देन एंटर इट। ठीक है, क्या करते हैं आपका, जितना हम लेते हैं उससे ज्यादा जो है वो बाहर निकल जाता है जब बॉडी फ्लूइड। एंड इवन लो लेवल ऑफ डिहाइड्रेशन कैन कोज हेडेक, लेथार्जी एंड कॉन्स्टिपेशन। अगर आपका लो लेवल रहता है डिहाइड्रेशन का तो ये क्या करता है आपका, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में हेडेक रहेगा, लेथार्जी और कॉन्स्टिपेशन होगा। द ह्यूमन बॉडी इज रफली 75% ऑफ वाटर। आपको पता ही है जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है ये 75% ऑफ वाटर से बना हुआ है। विदाउट दिस वाटर इट कैन नॉट सर्वाइव। हमारी जो बॉडी होती है, अपने ऊपर आप अपनी बॉडी को ध्यान में रखो कि 75% हमारी बॉडी जो है वो वाटर से बनी हुई है और बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर पाएगी। वॉटर इज फाउंड इन साइड सेल्स, विद इन ब्लड वेसल्स एंड बिटवीन सेल्स। देखो, सेल्स के अंदर होती है, ठीक है, उसकी विद इन ब्लड वेसल्स भी होता है वॉटर, एंड बिटवीन सेल्स, सेल्स के बीच में भी ये होता है। ठीक है, अ सोफिस्टिकेटेड वॉटर मैनेजमेंट सिस्टम कीप आर वॉटर लेवल बैलेंस। मतलब वॉटर मैनेजमेंट जो होगा, अगर आप वॉटर मैनेजमेंट करके रखोगे तो हमारा जो वाटर का लेवल होगा वो बैलेंस रहेगा। एंड और थ्रस्ट मैकेनिज्म टेल अस व्हेन वी नीड टू इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। थ्रस्ट मैकेनिज्म से हमें पता चल जाता है कि हाँ, अब हमें पानी की पूर्ति करने की जरूरत है। आपको पता है हमें प्यास लगती है, वो क्यों लगती है, कि जिससे क्या हो, हाँ, कि हम पानी पिए, कि हाँ अब कमी है, तभी हमारी बॉडी पानी मांगती है। ठीक है, एंड ऑल्सो वाटर इज कॉन्स्टेंटली लॉस थ्रू आउट द डे। आपको पता है वाटर लॉस होता रहता है स्वेट के थ्रू, ब्रीथ के थ्रू, यूरिनेट के थ्रू, डिफिकेट के थ्रू। तो वी कैन रिप्लेनिश द वाटर इन आर बॉडी बाय ड्रिंकिंग फ्लूइड। अब आप इसको भर कैसे सकते हो, जो आप निकाल रहे हो इसको आप पानी पी के ही कंप्लीट कर सकते हो। द बॉडी कैन ऑल्सो मूव वाटर अराउंड टू एरियाज वेयर इट इज नीडेड मोस्ट इफ डिहाइड्रेशन बिगेन टू अकर। क्या करती है जो बॉडी होती है, बॉडी कैन ऑल्सो मूव वाटर, वाटर को भी ये मूव करा देती है अराउंड टू एरियाज जहाँ पे कमी हो। जब डिहाइड्रेशन होने लग जाती है तो जहाँ पे कमी होती है वहां पे भी बॉडी क्या करती है, वाटर को मूव करा देती है। मोस्ट अकरेंस ऑफ डिहाइड्रेशन कैन बी इजिली रिवर्स। देखो, जितनी भी ज्यादातर जो डिहाइड्रेशन होती है वो मतलब ठीक हो जाती है, वही कि पानी पीकर ठीक हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड इनटेक इंक्रीज कर दो। लेकिन अगर किसी को सीवियर केस ऑफ डिहाइड्रेशन है तो उसको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका कोज क्या है, ऐसा होता क्यों है डिहाइड्रेशन। पहली बात तो यह है कि इनफ पानी ना लेने की वजह से, या फिर या तो पानी ज्यादा ना लेने की वजह से, या फिर ज्यादा लॉस होने की वजह से वाटर का, या फिर दोनों ही हो सकते हैं कारण। ठीक है, एडिशनल कोज आपका क्या हो सकता है, जैसे डायरिया। डायरिया एक मोस्ट कॉमन कोज होता है डिहाइड्रेशन का, कि डायरिया में क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है एंड रिलेटेड
डेथ भी हो सकती है। द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम फूड मैटर। देखो जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं आपके फूड मैटर से, एंड डायरिया प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग। डायरिया क्या करता है, प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग, मतलब कि ये होने नहीं देता। द बॉडी एक्सक्रीट टू मच वाटर, तो बॉडी क्या करती है, ज्यादा के ज्यादा मात्रा में क्या करती है, वाटर को एक्सक्रीट करा देती है और डिहाइड्रेशन कॉज कर देती है। मैं दोबारा बता देती हूँ, डिहाइड्रेशन मतलब डायरिया कैसे डिहाइड्रेशन करता है, आपको ये पता होना चाहिए कि डायरिया जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना, ये पानी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है पानी एब्जॉर्ब करता है हमारे फूड मैटर से। लेकिन जब ये होता है ना डायरिया, तो ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब नहीं करने देता लार्ज इंटेस्टाइन को, तो इसके कारण क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में हमारा वाटर एज अ डायरिया के रूप में निकलता रहता है और वो ये डिहाइड्रेशन हो जाती है। वॉमिटिंग में क्या है, लॉस ऑफ फ्लूड्स आपको पता ही है, और मेक इट डिफिकल्ट टू रिप्लेस वाटर बाय ड्रिंकिंग इट। मुश्किल तो है ही, क्योंकि ऊपर से वॉमिटिंग निकल रही है तो पानी कहाँ से ही पियेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्वेटिंग। द बॉडी कूलिंग मैकेनिज्म रिलीज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर। हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, विग्रस फिजिकल एक्टिविटी कैन फर्दर इंक्रीज फ्लूड लॉस फ्रॉम स्वेटिंग। देखो जो बंदा ज्यादा धूप में काम करता है, ठीक है, एंड मतलब जिसकी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी रहती है, तो उनमें क्या रहता है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा रहती है, तो वहां पे क्या होता है, फ्लूड जो है वो ज्यादा लॉस होता है। सिमिलरली फीवर में भी स्वेटिंग इंक्रीज होती है और जो पर्सन है वो डिहाइड्रेट हो जाता है। स्पेशली इफ देर इज ऑल्सो डायरिया एंड वॉमिटिंग, और अगर उसको फीवर के साथ डायरिया वॉमिटिंग है, तो तब तो बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट आता है इसमें, हिड्रोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ एक्टिवेटिंग द स्वेट ग्लैंड बाय M3 रिसेप्टर्स। उसके बाद आता है हाइपरहिड्रोसिस। ये क्या होता है, इट्स अ डिसऑर्डर मार्क्ड बाय एक्सेसिव स्वेटिंग। ये क्या होता है, इसके अंदर हमारी बहुत ज्यादा मात्रा में स्वेटिंग रहती है, हाइपरहिड्रोसिस। इट यूजली बिगिन एट प्यूबर्टी एंड अफेक्ट द पाम सोल्स एंड आर्मपिट। देखो जैसे हम प्यूबर्टी की एज में होते थे, आपने देखो होगा आपके पाम्स पे सोल्स पे ना पसीना बहुत जल्दी आ जाता था, ठीक है। एंड स्वेटिंग इज द बॉडी वेट ऑफ कूलिंग इट सेल्फ एंड इट्स नॉर्मल रिस्पॉन्स टू हॉट एनवायरमेंट और इंटेंस एक्सरसाइज। स्वेटिंग क्या है, एक बॉडी का खुद का एक नेचुरल वे है कि हाँ खुद को मैं कूल रहूं और जो हीट है उसको स्वेटिंग के थ्रू बाहर निकाल दो, तो एक नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल रिस्पॉन्स है जब भी हॉट एनवायरमेंट में जाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। डायबिटीज, हाई ब्लड शुगर लेवल कैन कॉज इंक्रीज यूरिनेशन एंड फ्लूड लॉस। आपको पता ही है हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है डायरिया में, तो ये क्या करता है, इसमें यूरिनेशन ज्यादा आती है तो फ्लूड लॉस होगा। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, जो बार 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 यूरिनेशन जाएगा तो अनकंट्रोल डायबिटीज में होता है, बट ऑल्सो कैन बी ड्यू टू एल्कोहल और मेडिकेशन की वजह से हो सकता है। ऐसे कुछ लोग डायबिटिक्स यूज करते हैं, या एंटीस्टामाइन की वजह से हो सकता है, या ब्लड प्रेशर मेडिकेशन, या फिर एंटी साइकोटिक से। जो बर्न होता है, बर्न के अंदर भी बर्न ब्लड वेसल्स कैन बिकम डैमेज। आपको पता है बर्न के अंदर क्या हो जाती है, ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती है, कॉजिंग फ्लूड टू लीक इनटू द सराउंडिंग टिश्यू। और क्या कर देता है, ब्लड वेसल्स तो खराब हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या करता है, जो फ्लूड होता है उसका सराउंडिंग वाले में लीक कर देता है, सराउंडिंग टिश्यू में चला जाता है। तो ये सारे इसके कारण होते हैं कि डिहाइड्रेशन क्यों होते हैं। पहली बात मैंने आपको ये बताई है कि क्या है डिहाइड्रेशन, पहले पता होना चाहिए ज्यादा पानी लॉस होता है और 75% वाटर से ही बना है, तो वाटर ही नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड वाटर लॉस हमारा होता रहता है, किसके थ्रू आपको बताना है, नॉर्मली कैसे होता है ये, एंड इसको हम रिवर्स कर सकते हैं ज्यादा पानी पी के। कॉज इसका बता ही दिया, ना ज्यादा पानी पी, जैसे कुछ लोग पानी नहीं पीते लोग, या फिर ज्यादा लॉस हो जाए वाटर का, या फिर डायबिटीज में हो सकता है, ठीक है, या फिर जिसको फीवर है स्वेटिंग में, ठीक है, ज्यादा ही है वॉमिटिंग में, डायरिया में, ठीक है, एंड फ्रिक्वेंट यूरिनेशन और बर्न में। अब आता है रिस्क फैक्टर, किनको डिहाइड्रेशन रहने मतलब होने की ज्यादा चांसेस रहते हैं। पीपल एट हायर एटीट्यूड, एथलीट्स को ज्यादा रहेगा है, ठीक है, एंड पीपल विद क्रॉनिक इलनेस, जिनको क्रॉनिक इलनेस है, जैसे डायबिटीज है, किडनी डिसीज है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, एल्कोलिज्म है, एड्रिनल ग्लैंड डिसऑर्डर है इनको। और इन्फेंट्स और चिल्ड्रंस जो होते हैं, इनको आपको पता है छोटे छोटे बच्चों को बहुत जल्दी जो डायरिया वॉमिटिंग हो जाते हैं। डिहाइड्रेशन इन ओल्डर एडल्ट इज ऑल्सो कॉमन, ओल्डर एडल्ट में भी कॉमन होता है, बिकॉज समटाइम दिस अकर बिकॉज दे ड्रिंक लेस वाटर, कम पानी पीने की वजह से होते हैं, एंड डू नॉट नीड टू गेट अप फॉर टॉयलेट एज ऑफ्टन।
देयर ऑल्सो चेंज इन द ब्रेन मीनिंग दैट थ्रस्ट डज नॉट ऑलवेज अकर। ठीक है, सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन इंक्लूड। सिम्टम्स आपको क्या मिलेंगे, जब आपको पता होगा डिहाइड्रेशन होती है तो मुख सूख जाएगा, क्योंकि पानी की कमी हो गया तो मुंह सूख जाएगा, लेथार्जी, डिजीनेस रहते हैं, इतने ज्यादा उसमें सहन शक्ति नहीं रहती, बंदे के अंदर चक्कर आ जाते हैं। फर्स्ट सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन में रहते हैं उसको प्यास लगती है, उसका जो यूरिन है वो बहुत डार्क आता है। आपने ये बात खुद भी देखी होगी, जैसे सो के उठते हैं हम सुबह, क्योंकि रात में तो हम पानी नहीं पीते, तो वहां उस टाइम पे क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है बेसिकली। ठीक है, या फिर आप ये सोचो कि हाँ पानी की कमी हो जाती है उस टाइम पे, तो यूरिन सुबह जब जाते हैं तो बहुत डार्क सा आता है। डिक्रीज यूरिन प्रोडक्शन, इनफैक्ट यूरिन कलर इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ अ पर्सन हाइड्रेशन लेवल। हाइड्रेशन लेवल का ये बेस्ट इंडिकेटर होता है आपका यूरिन का कलर। अगर क्लियर यूरिन है, बिल्कुल क्लियर है, तो समझो कि गुड हाइड्रेशन हो रही है। अगर डार्क है तो मतलब डिहाइड्रेशन है। एज द कंडीशन प्रोग्रेस टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन सिम्टम, उसके अंदर ड्राई माउथ, लेथार्जी, डिजीनेस, वीकनेस इन मसल, हेडेक रहेगा। सीवियर डिहाइड्रेशन का मतलब यहाँ पे रहेगा कि लॉस ऑफ 10-15% ऑफ बॉडी वाटर। 75 तो टोटली है और 10-15 अगर निकल जाए तो वो सीवियर डिहाइड्रेशन है। ये एक्सट्रीम वर्जन होते हैं, इसके अंदर आपको लेक ऑफ स्वेटिंग, संकन आईज हो जाती है, ठीक है, श्रिविल्ड एंड ड्राई स्किन और लॉस ऑफ स्किन टगर, लो ब्लड प्रेशर इंक्रीज, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, फीवर, डिलीरियम, अनकॉन्शियस वो बंदा हो जाएगा। सिम्टम बच्चों में क्या आएंगे, इन बेबी शंकन फ्रंटनल, मतलब कि सॉफ्ट और स्पॉट, सॉफ्ट स्पॉट ऑन द टॉप ऑफ हेड पे उनको सॉफ्ट सा स्पॉट मिलेगा, ड्राई टंग मिलेगी, माउथ इरिटेबल ज्यादा रहेंगे और रोएंगे नहीं, रोएंगे ना तो उसमें आंसू नहीं उनके आएंगे, शंकन स्टिक्स मिलेंगे, नो वेट डायपर फॉर 3 or more hours, 3 या 3 से घंटे ज्यादा घंटे तक में उनका कोई भी डायपर जो है वो गीला नहीं आपको मिलेगा। कॉम्प्लिकेशन क्या रहती है, लो ब्लड वॉल्यूम सबसे पहली बात आएगी, जब ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगी इसमें कम हो जाती है, अ ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर एंड रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिचिंग टिश्यू, दिस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। सीजर्स हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि पानी की कमी तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाएंगे, किडनी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, किडनी स्टोन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इवेंचुअली किडनी फेलर और हीट इंजरी, ठीक है, इवन हार्ट स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक आ सकता है, क्रैम्प्स हो सकते हैं। तो ये सारा किसके बारे में है, आपका डिहाइड्रेशन के बारे में। आई थिंक ये तो सबके साथ हुआ ही होगा कभी ना कभी तो लाइफ में अब तक तो, ठीक है। तो इतना इजी है ये टॉपिक बेसिकली, अगर आप इसको देखो तो सबसे पहले यही बता दें डिहाइड्रेशन में क्या है, पानी लॉस कैसे होता है, फिर इसके कारण हमने बताए हैं, फिर रिस्क फैक्टर बताए हैं किन को हो सकता है, जैसे जैसे डायबिटीज वाला है ये सब आएगा, ओल्डर में ज्यादा रहते हैं, सिम्टम्स इनके क्या हैंगे, बच्चों में क्या सिम्टम है, इनके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ओवर हाइड्रेशन की। ओवर हाइड्रेशन का मतलब एक्सेस ऑफ वाटर इन द बॉडी, बहुत ज्यादा मात्रा में बॉडी में इकट्ठा पानी हो जाना। क्या कारण है, क्या रिस्क फैक्टर है, ओवर हाइड्रेशन अकर व्हेन द बॉडी टेक्स इन मोर वाटर देन इट लॉस, जब ज्यादा पानी पी लेते हैं और इतना नुस्खा निकलता भी नहीं है। पीपल कैन डेवलप ओवर हाइड्रेशन इफ दे हैव डिसऑर्डर दैट डिक्रीज द बॉडी एबिलिटी टू एक्सक्रीट वाटर और इंक्रीज द बॉडी टेंडेंसी टू रिटेन वाटर। देखो ओवर हाइड्रेशन तब भी हो सकता है कि हमारे बॉडी क्या करे, वाटर को एक्सक्रीट ना कर पाए, एबिलिटी ना रहे उसको एक्सक्रीट करने की, या फिर उसको रिटेन करने की टेंडेंसी ज्यादा आ जाए, पानी को इकट्ठा करने की टेंडेंसी हमारे शरीर में ज्यादा आ जाए। ओवर हाइड्रेशन कैन अकर वेन पीपल ड्रिंक मच मोर वाटर देन देयर बॉडी नीड्स, जितनी उनकी बॉडी को जरूरत है उससे ज्यादा जब वो पानी पी लेते हैं तो उससे क्या होता है, ओवर हाइड्रेशन होता है। पीपल पर्टिकुलर जो एथलीट्स होते हैं हु ड्रिंक एक्सेसिव वाटर टू अवॉइड डिहाइड्रेशन कैन डेवलप ओवर हाइड्रेशन। जो एथलीट्स होते हैं आपने देखा है पानी की बोतलें पीते रहते हैं, ये सोचते हैं कि डिहाइड्रेशन ना हो, लेकिन डिहाइड्रेशन ना होने के चक्कर में इनको ओवर हाइड्रेशन और हो जाती है। पीपल में ऑल्सो ड्रिंक एक्सेसिव वाटर बिकॉज ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स कॉल्ड साइकेट्रिक पॉलीडिप्सिया, साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया होते हैं इनको, ठीक है। द रिजल्ट इज टू मच वाटर एंड नॉट इनफ सोडियम। देखो जब पानी ज्यादा पी लेते हैं लेकिन सोडियम क्या रहता है इनमें, नहीं होता, ठीक है, इतना सोडियम का लेवल इनमें लो रहता है। देखो नेक्स्ट आता है दस ओवर हाइड्रेशन जनरली रिजल्ट इन लो सोडियम लेवल इन द ब्लड। क्यों होता है ओवर हाइड्रेशन, तब होती है जब आपका क्या हो जाए,
सोडियम का लेवल कम हो जाए। तो मैं आपको फर्स्ट पॉइंट में ऑलरेडी सोडियम के बारे में बता चुकी हूँ कि जो सोडियम होता है इसका मेन फंक्शन ही क्या होता है कि जो फ्लूड के कंपार्टमेंट्स है ना उनमें फ्लूड को बैलेंस रखना। अब सोडियम हो गया कम, अब फ्लूड क्या रहेगा उसके अंदर, ज्यादा बढ़ता रहेगा तो ओवर हाइड्रेशन हो जाती है, ठीक है, तो ये डेंजरस है। हाउ एवर ड्रिंकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर असोसिएटली डज नॉट कॉज ओवर हाइड्रेशन। लिख के हाँ इन्होंने कि ज्यादा अमाउंट में पानी पीना ओवर हाइड्रेशन कॉज नहीं करता, लेकिन इफ पिट्यूटरी ग्लैंड किडनी लीवर हार्ट आर फंक्शनली नॉर्मल, कि अगर आपके पिट्यूटरी ग्लैंड और जो किडनी है जो लीवर और हार्ट है अगर ढंग से काम करते हैं ना नॉर्मल फंक्शनिंग है तो ओवर हाइड्रेशन कॉज नहीं हो सकती। टू एक्सीड द बॉडी एबिलिटी टू एक्सक्रीट वाटर अ यंग एडल्ट विद नॉर्मल किडनी फंक्शन वुड हैव टू ड्रिंक मोर देन 6 gallons ऑफ वाटर अ डे ऑन अ रेगुलर बेसिस। ओवर हाइड्रेशन इज मच मोर कॉमन अमंग पीपल हुज किडनी डू नॉट एक्सक्रीट यूरिन नॉर्मली। देखो ओवर हाइड्रेशन तब भी हो सकती है जबकि यूरिन ही ना पास हो रहा है, ठीक है, वही तो बात है कि यूरिन पास ही नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अमंग पीपल्स विद अ डिसऑर्डर ऑफ हार्ट किडनी लीवर अमंग प्री मैच्योर इन्फेंट हुज किडनी आर इमैच्योर, जिनकी किडनी इमैच्योर है तो उनमें भी ओवर हाइड्रेशन हो सकती है। सर्टेन ड्रग्स भी जैसे एंटी डिप्रेसेंट ये भी क्या कर देती है, डिप्रेसेंट है तो ये क्या कर देते हैं ओवर हाइड्रेशन कॉज कर सकते हैं। ओवर हाइड्रेशन में ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम द सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रेशन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जब ज्यादा ना सिक्रेट हुए तब भी हो जाता है। इन दिस सिंड्रोम द पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट टू मच वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन क्या होता है, एडीएच जो है, एडीएच जब ज्यादा सिक्रेट कर देती है तो स्टिमुलेट करते हैं किडनी को कि पानी रखो अपने पास, ठीक है। कब होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वैसोप्रेसिन को ज्यादा कोस कर देती है, ज्यादा रिलीज कर देती है और ये क्या कहता है कि भाई पानी की कमी है पानी रखो अपने पास। तो अभी इसने सोच लिया कि भाई हाँ पानी की कमी है तो वो इकट्ठा करता रहेगा और जबकि जरूरत थी भी नहीं, ठीक है। सिम्टम्स क्या है, ब्रेन सेल्स आर पर्टिकुलरली सबसेप्टेबल टू ओवर हाइड्रेशन एंड लो सोडियम लेवल इन द ब्लड। देन ओवर हाइड्रेशन अकर स्लोली, जब आपकी ओवर हाइड्रेशन स्लोली अकर होती है एंड इट्स माइल्ड मॉडरेट, ब्रेन सेल जो होते हैं टाइम टू अडेप्ट, सो ओनली माइल्ड सिम्टम इफ एनी लाइक डिस्ट्रैक्टिबिलिटी और लेथार्जी आपको वहां पे मिले। ओवर हाइड्रेशन अकर क्विकली, वॉमिटिंग एंड ट्रबल विद बैलेंस डेवलप रहता है। इफ ओवर हाइड्रेशन वर्सन तो कन्फ्यूजन सीजर, मतलब कि ओवर हाइड्रेशन अगर होगी तो सीधा ब्रेन पे ही इफेक्ट करती है आपकी ज्यादातर। When overhydration occur, blood volume is normal. The excess water is usually moved into the cells. The tissue swelling, edema does not occur. When excess blood volume occur, fluid can accumulate in the lungs and lower legs. ठीक है, तो इतना ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। देखो overhydration में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्यों, क्या कारण है overhydration का, क्यों होती है overhydration, ठीक है, और इसके क्या सिम्टम्स आपको मिलेंगे। ब्रेन सेल्स पे पर्टिकुलरली ये ससेप्टेबल रहते हैं ओवर हाइड्रेशन का। तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट ऑन माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।